हेलो एवरीवन। तो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे और उसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24 जून 2020 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA को दिया। ठीक है, किस राष्ट्र की, कौन सी कंट्री के लिए दिया है ये? तो ये जो है इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है फिलीपींस के शरणार्थियों के लिए। किसके लिए? फिलीपींस के शरणार्थियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 26 जून। हाँ एक सेकेंड, देखिए 26 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ध्यान से देखिए, 26 जून को मनाया गया 2020 को मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका प्रमुख विषय क्या था? इसका प्रमुख विषय था बेहतर देखभाल हेतु बेहतर जानकारी। ठीक है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है ना, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये है आपका। नेक्स्ट हमारा है विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 5 मई 2020 को मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, देखिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस WHO ने मनाया 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, लाइफ को सेव करिए कैसे? अपने हाथ को साफ करके। तो ये है हाथ जो है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक 9 मई। ठीक है, कब? 9 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? 9 मई को। और इसमें 2020 का जो थीम था वो क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ड। ठीक है, बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ड। ठीक है, तो मतलब बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ड मतलब हमारे संसार को जो ये चिड़िया है वो कनेक्ट करती है, क्योंकि उनके लिए कोई बाउंड्री तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो जो है पूरे विश्व को कनेक्ट कर देती हैं। वह देश जिनकी अध्यक्षता में G20, कौन सा? G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। G20 शिक्षा मंत्रियों की, एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया वो है सऊदी अरब। ठीक है, तो जो है सऊदी अरब में की अध्यक्षता में G20 की शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आरंभ की गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम अपने किस इंजीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए वाशिंगटन DC में स्थित जो मुख्यालय है किसका? नासा का। ठीक है, उसने अपने किस इंजीनियर के नाम पर जो है इसके नाम रखने की घोषणा की है 2020 में? तो ये है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या नाम है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। जैक्सन एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी और इनका जो है 2005 में इनका 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। ये 1967 में नासा के ह्यूमन कंप्यूटर पूल में शामिल थे। किसमें? नासा का जो ह्यूमन कंप्यूटर पूल था उसमें जो है शामिल थी। तो इन्हीं के नाम पर, और नाम फिर से देखिए, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 के आखिर में आयरलैंड में हुए संसदीय चुनावों के बाद किसने आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो आयरलैंड में जो है चुनाव हुए हैं और माइकल मॉर्टिन, क्या नाम है? माइकल मॉर्टिन जो है आयरलैंड के नए जो है क्या है आपके संसदीय चुनाव के बाद आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मॉर्टिन है। 2000 मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा, क्या नाम है? अमांदा, अमांदा से प्रभावित होने वाला क्या है ये? अमांदा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ये अल सल्वाडोर है। कौन सी कंट्री? अल सल्वाडोर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद ने निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 21वां राज्य बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? देखिए 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन, ठीक है ना, लोअर जो हाउस है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये वाशिंगटन DC को जो है अभी क्या होगा, देश का 51वां राज्य बन जाएगा। 19 फरवरी 2020 की सड़क तथा सुरक्षा पर तीसरे मंत्रिस्तरीय वैश्विक सम्मेलन सड़क सुरक्षा पर, किस पे? सड़क सुरक्षा तथा का तीसरा सड़क सुरक्षा का तीसरा मंत्र स्तरीय जो जो सम्मेलन है वो आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया है स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन में क्या है, सड़क के लिए जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वो है स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। देखिए सम्मेलन का केंद्रीय विषय था अचीविंग ग्लोबल गोल्स। क्या है? अचीविंग ग्लोबल गोल्स इसका जो है थीम था।
वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः जो है राष्ट्रमंडल का कौन सा सदस्य इम्पोर्टेंट है 54th मेंबर बन गया है, मालदीव। 2016 में क्या था ये जो है राष्ट्रमंडल से बाहर हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर इसने क्या किया तो 1 फरवरी 2020 को पुनः जो है राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया है, यह है मालदीव। फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यह है ईयर ऑफ द नर्सेज एंड द मिडवाइफ्स। क्या है? ईयर ईयर ऑफ द नर्सेज एंड द मिडवाइफ। और किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200th जो है ये क्या है एनिवर्सरी के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इथोपिया के अदिस अबाबा में फरवरी 2020 में आयोजित अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 33वां जो है का केंद्रीय विषय था। सबसे पहले बात क्या है कि जो 33वां जो आपका क्या है ये अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है, अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन है ये, कौन सा है 33वां है, क्या है ये अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन है, ये 33वां है और इसको जो है आयोजित किया गया इथोपिया के आदिस अबाबा में, ठीक है। तो ये अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन है और 33वां इसका नंबर है और इथोपिया के आदिस अबाबा में आयोजित किया गया। तो इसका केंद्रीय विषय क्या था? देखिए केंद्रीय विषय था साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग एडवर्सिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ठीक है। एड्रेसिव एड्रेसिव है ये, देखिए साइलेंसिंग द गन क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ये जो है इसका थीम था AU के 33वें AU के, और कहाँ पे हुआ था? अदिस अबाबा में हुआ है, इथियोपिया में हुआ है और इसका जो है यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व की 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू की है, ठीक है। तो कौन से संगठन ने किया है 1 ट्रिलियन ट्रीज 2030 तक, और ये भी ध्यान रखिएगा कब तक, 2030 तक 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये जो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव है ये शुरू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने, ध्यान रखिएगा और किसी में कंफ्यूज मत, विश्व आर्थिक मंच ने 1 ट्रिलियन ट्रीज का जो है इनिशिएटिव लिया है। 2 फरवरी 2020 को मनाए जाने वाले विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? तो आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ठीक है। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव हुआ? तो देखिए पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कहाँ की हैं? ये ग्रीस की हैं, इनका नाम है कैथरीन सकेलरोपैलो, ठीक है, कैथरीन सकेलरोपैलो, तो इनका नाम है कैथरीन सकेलरोपैलो। ये क्या है? ये ग्रीस की जो है फर्स्ट जो है फीमेल राष्ट्रपति होंगी, पहली वुमेन जो है आपकी फीमेल ना कह के वुमेन कहना ज्यादा सही है, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होंगी कहाँ की? ग्रीस की है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन, ठीक है, थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है वो जो है 2020 में कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। तो पोटैटो जो है गांधीनगर गुजरात में। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित करने की कर मैगजीन जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने वाला जो देश है वो है नेपाल। तो नेपाल ने क्या किया है? सबसे अधिक ऊंचाई पर 2020 में फैशन शो आयोजित किया, ठीक है, फैशन शो आयोजित किया। ब्रेग्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, ठीक है। तो कब जो है यूरोपीय यूनियन से अलग होगी? 31 जनवरी 2020 को, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 फरवरी 2020 को किस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश जारी किया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने 23 फरवरी 2020 को क्या किया? म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश दिया कि जो है एक समुदाय है उनके लिए आपको सुरक्षा जो सुरक्षा प्रोवाइड करनी है वो कौन सा समुदाय है? वो आपका रोहिंग्या ही है, ठीक है, रोहिंग्या। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव,
है ना, जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेन इनिशिएटिव है, इसके द्वारा फरवरी 2020 में दुनिया के 97 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान समर्पित जो नीतियों और कार्यक्रमों वाली दुनिया का शीर्ष देश घोषित कर दिया गया श्रीलंका को। ठीक है, तो स्तनपान समर्पित नीति इनकी है और इनके कार्यक्रम ऐसे हैं, तो इनको श्रीलंका को जो है क्या क्या दुनिया का शीर्ष देश घोषित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में श्रीलंका द्वारा 100 में से 91 अंक प्राप्त करने के कारण उसे हरा कोड, ठीक है, ग्रीन कलर कोड मिल गया है। 100 में से उसको 91 मार्क्स मिल गए हैं श्रीलंका को, ठीक है, तो उनको ग्रीन कलर कोड मिला हुआ है। और इस कोड के साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने के कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र, ठीक है, तो किस लिए इनको ग्रीन राष्ट्र का मिला है, जो स्तनपान करने वाली महिलाओं के समर्थन करने के लिए इनको ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी प्रदान किया गया। ठीक है, 30 जनवरी 2020 का 30 जनवरी 2030 को, सॉरी 30 जनवरी 2020 को मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे के इस वर्ष का थीम क्या था, तो वर्ल्ड लिटरेसी डे का थीम था लिटरेसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है, लिटरेसी ये नहीं है जो आप सोचते हैं, जो जो विचार लोग रखते हैं वो नहीं है। ठीक है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूची सूचकांक 2019 में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर रहने वाला देश है उत्तर कोरिया। तो देखिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है 2019 को जो है क्या किया, एक आपका सूचकांक लेके आया जहाँ पे नॉर्वे जो है वो जो है टॉप पे है, नॉर्वे टॉप पे है किसमें, लोकतंत्र, जो लोकतंत्र सूचकांक है, और सबसे जो न्यूनतम स्थान पे है वो जो है उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। अब नेक्स्ट हमारा है यांगजी रिवर जो है क्या है, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यांगजी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगजी नदी में मिलने वाली एक्सक्यूज मी हाँ यांगजी नदी में मिलने वाली तथा गंभीर रूप से खतरे में मानी जाने वाली किस फिश को 6 जनवरी 2020 को विलुप्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो ये यांगजी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि जो यांगजी नदी में मिलने वाली, जो यांगजी नदी में मिलती हैं गंभीर रूप से खतरे में पाई जाने वाली किस फिश को 6 जनवरी को विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो पहले ही ऑलरेडी खतरे में थी, तो ये है पैडल फिश। ठीक है, पैडल फिश कहाँ मिलती है, यांगजी रिवर में, और इसको अब विलुप्त, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया 6 जनवरी 2020 को पैडल फिश को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट या वर्ल्ड माइग्रेटरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो जो हमारे भारत का देश, हमारा भारत देश है, वहाँ की जो प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में 17.5 मिलियन लोग दुनिया के भिन्न भिन्न जो है देशों में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट हमारा आर्थिकी है, और एक नया जो है हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं आर्थिकी का। ठीक है, तो आर्थिकी में देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2020 को किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप, ठीक है, मुद्रा का अदला बदली समझौता, करेंसी स्वैप को कहते हैं मुद्रा का अदला बदली समझौता किया। देखिए किसके साथ किया, ये श्रीलंका के साथ किया। ठीक है, करेंसी स्वैप किसके साथ किया, इंडिया ने, श्रीलंका के साथ किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, और कितने का किया, 400 मिलियन डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जनरल विराल वी आचार्य, क्या नाम है, विराल वी आचार्य, क्या कौन है ये, डिप्टी गवर्नर जनरल RBI के, उनके द्वारा भारत की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने पर लिखी गई पुस्तक, जो भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बहाल करने के लिए लिखी गई जो पुस्तक का नाम है, जिसका जो है 2020 में विमोचन किया गया, उसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, ये जो है, जो किसका है, जो विरल वी आचार्य है, उनकी जो है एक बुक है, तो ये जो है नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 28 जुलाई 2020 को किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा COVID-19 ऋण मंजूर किया है। ठीक है, तो IMF ने जो है कितना
4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है मंजूर किया है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक कोविड-19 जो प्रभावित देश है। यहाँ पर 4,50,000 से अधिक कोरोना के मामले अब तक पाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन, अब नेक्स्ट हमारा है विश्व व्यापार संगठन WHO जनरल काउंसिल ने जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश को संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। देखिए WHO में एक सदस्य और जुड़ने जा रहे हैं, उनको अभी ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है और ये एक मध्य जो है एशियाई देश है, ये भी आपके पास एक जो है गेस है यहाँ पे। तो ये कौन है, ये है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है इनका, तुर्कमेनिस्तान की कंट्री है ये, मिडिल एशियन जो है आपकी कंट्री है और ये ऑब्जर्वर जो है का दर्जा इनको मिल गया है। कहाँ पे, ये आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। भारत की सबसे धनाढ्य महिला जिसने 17 जुलाई 2020 को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा, एक्सक्यूज मी। देखिए भारत की ये सबसे धनाढ्य महिला हैं, क्या है, भारत की सबसे धनाढ्य महिला हैं और इनको जो है नोएडा में HCL टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष चुना गया है। ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में, फिर से देख लीजिए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने राज्य के उद्योगों के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना की शुरुआत की, तो यह है महापरवाना, ठीक है, महापरवाना योजना की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के तीसरे बड़े, ठीक है, सॉरी, भारत के सार्वजनिक जो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर है उसके लिए तीसरे सबसे बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है ने, और पहला सबसे बड़ा बैंक कौन है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ने हाल में ही किस नाम से पूरी तरह क्या है पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है, तो यह है क्या है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसने जो है हाल में ही पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत शुरू किया है, वो है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ठीक है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, और कौन है ये, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट हमारा है, कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है, कोई भी भूखा ना सोए, इस लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए, ये जो है पहल है किसकी, राजस्थान सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट की। तो ये हो गया हमारा, और नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है 26 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, 26 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी, तो देखिए थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, क्या है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो अभी जो है ये क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, और एक चीज़ और बताइए कि ग्रीन जो है नेशन अभी जो है श्रीलंका को क्यों मिला था, ग्रीन कैटेगरी में क्यों डाला गया है, ये आपको बताना है। 2020-21 में रबी जो विपणन मौसम में, रबी के विपणन मौसम में 127 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीद कर देश में सर्वाधिक गेहूँ खरीद करने वाला राज्य कौन है, तो देखिए गेहूँ सबसे ज़्यादा खरीद करने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है, 127 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद की है इन्होंने। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, इंडियन एनर्जी IEX द्वारा स्थापित देश के पहले इंडियन गैस एक्सचेंज का परिचालन कब से शुरू हुआ, यह है 15 जून 2020 से। तो देखिए दिग्गज IIT कंपनी गूगल ने जुलाई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीद ली, तो पहली बात तो ये कि किसने जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है हिस्सेदारी खरीदी जियो की, ठीक है, तो ये जो है जो IT कंपनी है गूगल ने खरीदी, ठीक है, और कितनी खरीदी है 7.73% खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी, तो ये है 33,737 करोड़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग, ठीक है, जो रोजगार हमारा क्षेत्र है उसमें कुशल कार्यबल की मांग, आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा सूचना
प्रवाह में सुधार के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, फिर से देखिए, रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के लिए कुशल कार्यबल, ठीक है ना, जो कुशल कार्यबल हो, स्किल्ड जो वर्कफोर्स हो, उनकी मांग की आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए, उनकी मांग और आपूर्ति, ठीक है, जो डिमांड है क्या वो सप्लाई हो पा रहा है, या सप्लाई जितना उतना जो है डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, तो उसकी जो आपूर्ति है उसको जो है बरकरार, उसको जो है मैनेज करने के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, कौन सा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में AI आधारित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो यह आत्मनिर्भर एम्प्लॉय मैपिंग, क्या है, आत्मनिर्भर एम्प्लॉय मैपिंग, ASEEM, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए, युवाओं के लिए स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है, देखिए फैम पे, ठीक है, फैम पे, युवाओं को स्वतंत्र रूप से, जो युवा है उनको स्वतंत्र रूप से जो है सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड, ठीक है, पहला ये नंबरलेस कार्ड है, ये है फैम पे। अब इटली स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO कहाँ पे है, इटली में स्थित है, 16 जून 2020 को नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण पर, किस पे, नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण पर COVID-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ने का अनुमान लगाया है, तो ये 45 मिलियन लोग वहाँ पे तीव्र जो है असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा में पड़ जाएंगे, और क्या है इनका, ये है नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण COVID-19। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व बैंक जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है, तो यह है तमिलनाडु, ठीक है, तो बाजार कर्ज मामले में शीर्ष पर है ये। जुलाई 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, कौन सा है, ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग कितनी है, 34वीं रैंकिंग है, किसमें, 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल स्टेट, किसमें, ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग है वो 34th है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना कवर किया, नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।